हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 0313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं करंट, एंड उनकी आपके लिए जो है नेक्स्ट मूव क्या लेंगे वो आपके लिए। ठीक है, सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन कुछ भी है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, तो आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। अपने पार्टनर्स पर फोकस करिए गाइस। मुझे इंस्टाग्राम पर शॉर्ट इंग्लिश में रीडिंग्स में देखने के लिए मस्ट फॉलो करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रीडिंग आपको सबसे पहले मिले, और जब मैं लाइव सेशन करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए कैसे हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ लियो। देन है गाइस हमारे पास हर्मिट। मेजर अरकाना आ रहे हैं अभी तो। एट नंबर इंपॉर्टेंट है, नाइन नंबर इंपॉर्टेंट है। देन है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। देन है हमारे पास लवर्स। वाओ गाइस, यहाँ पे तो बैक टू बैक मेजर अरकाना की एनर्जी है। सिक्स नंबर है जेमिनाई। रिवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। Then we have Princess of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have Alchemy, Magician की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना आ रहे हैं गाइस, इट मीन्स आपके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा मेजरली आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं। एंड देन वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड जस्टिस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके गाइज आप लोगों के बारे में इस टाइम ना थिंकिंग भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यहाँ पे जेमिनी, विरगो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना गाइज। एंड लियो, विरगो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। रीडिंग बहुत ज़्यादा एनी हाउ स्पेसिफिक होने वाली है। सो आपके जो पार्टनर्स हैं इस टाइम, आप लोगों के साथ कनेक्शन में बैलेंस करना चाहते हैं गाइस। आप लोगों के साथ डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, आप लोगों के साथ इम्बैलेंस रखा है चीज़ों को। ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा इनजस्टिस टाइप का पर्सन था, लाइक थोड़ा सा मीन हो सकता है पहले ये थे। अपनी मतलब के लिए जो इनको सूटेबल चीज़ लगती है या जिसमें इनका ज़्यादा फ़ायदा है, ये पर्सन वो करता था। बट अब ये इस कनेक्शन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके लिए न्यू फीलिंग्स इनकी हैं, डेवलप हो रही हैं, एंड एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे में इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, कि जो पहले ये पर्सन मीन हो के अपने बारे में करता था फैसले, या अपने मतलब के लिए इसने हमेशा रिलेशनशिप को यूज़ किया, बट अभी ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को। आप लोगों में से बहुत से लोग जस्टिस खुद भी डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, कि आपके साथ जस्टिस किया जाए। इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया है, ये अपने कार्मा फेस करे, इसको अपनी गलती की, मिस्टेक जो भी किया उसकी रियलाइजेशन हो, तो वो रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका पार्टनर, ओके। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी भी आ गई है, एंड जिस तरह कार्ड सीक्वेंस में मुझे यही बता रहा है कि ये पर्सन ने काफ़ी हद तक हो सकता है आपको गोस्ट किया हो विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। ये आपसे वॉक अवे करके गए हैं, आपको कुछ भी इस पर्सन ने जस्टिफाई नहीं किया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, और रास्ते के अंदर ही एकदम से कनेक्शन में से गायब हो गए। उस वजह से ऑब्वियसली आपको काफ़ी बुरा लगा है, बट स्टिल आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, आप स्ट्रॉन्ग रहिए। एंड ये पर्सन जो है गाइस ट्रिक्स ढूंढ रहा है, डीपली थिंकिंग तो कर ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली जाके एनालाइज कर रहा है इस सिचुएशन को, या जो भी जायज़ा ले रहा है आप लोगों का, जो भी कनेक्शन रहा है, जो कोई सोल्यूशन आगे निकल सकता है फर्दर, ये उस बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसल्ट मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है। या तो ये पर्सन हो सकता है किसी से राय भी लेता है उनकी भी, अदरवाइज़ ये पर्सन खुद ही जो है बहुत चीज़ों को डीपली देख रहा है, किस तरह का सोल्यूशन इसको मिल जाए ताकि ये आपकी तरफ
बात कर सकें आपसे आके, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन पहले आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था, पहले ये पर्सन नॉन सीरियस था, ठीक है, बट अभी आपको मैसेज करना चाहता है और काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है मुझे ये पर्सन, एंड आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप की न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार की न्यू शुरुआत, रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग्स, जिसके लिए ये पर्सन मुझे रोमांटिकली प्रपोजल आपकी तरफ लेके आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन आपको लेके, न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग कर रहा है आपको रीच आउट करने की। यहाँ पे दो एसिस की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा न्यू एक लव है। अभी रिसेंटली आपका लाइक इस पर्सन के साथ या तो मिले हो या आप लोग इस पर्सन को शायद डेट कर रहे हो, रिसेंटली हो सकता है आपका स्टार्ट हुआ इस पर्सन के साथ कनेक्शन। दिस पर्सन वुड बी न्यू फॉर सबके लिए, नहीं मैं न्यू कह रही लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ना अभी बिल्कुल ही फ्रेश लव स्टार्ट होता नज़र आ रहा है कि अभी फ्रेश आपका स्टार्ट हुआ इस पर्सन से, ज़्यादा देर नहीं हुई आपको इस कनेक्शन में, और शायद आप डेट भी कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, बट जिनकी पास्ट की बात हो रही है वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन दोबारा से बिल्डअप करना चाहते हैं एंड आपको रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको आउटिंग पर लेके जाना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है शायद आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, लाइक आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है या आप किसी और को चूज़ करना चाहते हो, बट ये चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो। एनी हाउ ये पर्सन आपको मैसेज करेगा गाइस, बिकॉज इसको फील होता है यही कि आप लोग खुद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी पावरफुल हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, किसी तरह की एनजीओ वगैरह में आप हो सकता है, काफ़ी लोगों की हेल्प वगैरह करते हो, सोशल वर्कर हो सकते हो आप लोग। ये पर्सन तो मुझे कोई कल भी एनर्जी आई थिंक आई थी, ये पता नहीं किस रीडिंग में मैंने की थी, तो ये लाइक ये पर्सन या तो कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे कोई वेबसाइट्स होते हैं उसको डेवलप करने वाले कोई पर्सन होते हैं ना, वेब डेवलपर आई थिंक इसको बोलते हैं, वो पर्सन हो सकता है ये। बट दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी शार्प, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये जो भी पर्सन है वट एवर मेल फीमेल कुछ भी है, डॉक्टर, ये खुद भी डॉक्टर हो सकता है, आप दोनों डॉक्टर भी हो सकते हो, सेम प्रोफेशन भी हो सकता है आपका, लाइक डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, इंजीनियर, यस ये सिचुएशन में लग रही। कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। तो ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है एंड सेकंड थिंग ये पर्सन आपको दोबारा से कन्विंस करने के तरीके, नए तरीके ढूंढ रहा है ताकि आपके साथ दोबारा से डेट कर सके आपको और आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके। आप दोनों सिंगल भी हो सकते हो, मुझे यहाँ पर वैसे आ तो एनर्जी यही रही है कि दोनों सिंगल हो, बट कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो सकते हैं। देन वी हैव रिजेक्शन, यस मे बी इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे जैसे इन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया, तो डरता है कहीं ना कहीं ये पर्सन रिजेक्शन से, तभी तो इतनी प्लानिंग कर रहा है, डीप प्लानिंग, इसको पता है डीप प्लानिंग करेगा, हर चीज़ को अच्छे से देखेगा फिर ही आपकी तरफ अप्रोच अपने आप को कर सकता है, अदरवाइज कहीं आप इसको रिजेक्ट ही ना कर दो, किसी और को ही ना सेलेक्ट कर लो। देन वी हैव फेथ, स्टिल इस पर्सन को फेथ है चीज़ें बेटर होंगी आपके साथ, कनेक्शन ज़रूर होगा, अभी किस तरह का आपका कोई साइकिल है लेकिन किस्मत इसका साथ देगी, तो उसके लिए काफ़ी होपफुल भी ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, इसको रियलाइजेशन जो हो रही है अपनी मिस्टेक्स की तभी। देन वी हैव मोमेंट, यस बात करेंगे गाइज आपके पार्टनर्स आपसे, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व भी हो सकता है, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन से, थ्रू सोशल मीडिया आपकी बात हो सकती है, और मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे सोशल मीडिया पे ये पर्सन आप पे नज़र रखता है, बट ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा समझदार तो नहीं, समझदार भी कह सकते हैं बट ज़्यादा चलाक लग रहा है मुझे, मासूम नहीं है ये, इनोसेंस कहीं से भी नहीं है, काफ़ी सब चीज़ों का पता है, चाहे ये एज में भी आपसे छोटा भी हो ना, लेकिन इसको अच्छे से पता है हर चीज़ का, हाँ खुद करता ना हो ये एक अलग बात है, बट ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहा है, सो आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है, मैसेज रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से आपको। देन है हमारे पास फ्रस्ट्रेशन, यस दिस पर्सन नोज कि गाइस आप लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो इस पर्सन की इस सिचुएशन की वजह से जो इसने आपके साथ किया है, और अब आप लोगों ने
इस पर्सन से बात करनी जो बंद कर दी है, या इस पर्सन को लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं, तो उस वजह से ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है बिकॉज आपने अटेंशन नहीं दे रहे इस पर्सन को, दैट्स वाई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बट ये पर्सन सीरियस हो रहा है अब आप लोगों की तरफ। या ये भी सिचुएशन हो सकती है शायद आप किसी और को डेट करें और इस पर्सन को पता है, और अब इस पर्सन का जो अंदर से प्यार जो है वो निकल रहा है आप लोगों के लिए फीलिंग्स, और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि क्योंकि ये स्टॉप नहीं कर पा रहा ना अपनी उन फीलिंग्स को, तो ये सिचुएशन है। लेकिन स्ट्रैटेजी बना के ही आएगा आपकी तरफ। देन वी हैव कॉन्फिडेंस, यस काफ़ी कॉन्फिडेंस तो इस पर्सन को खुद पे है कि ये पर्सन आपको कन्विंस कर लेगा, आपसे बात कर लेगा, आप मान जाओगे। लेकिन लेट्स सी, इट्स टोटली अप टू यू, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपका अपना डिसीजन है। चलिए लेट्स सी क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों के पार्टनर्स की आपके लिए। इस पर्सन की एज 29, 28, 26, 21, 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 11 एंड 111 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव टीज, द एनर्जी इज फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टन। ये डेफिनेटली आप लोगों को पर्सन फ्लर्ट करता रहा पास्ट में, ये फ्लर्ट की एनर्जी है, इस पर्सन ने आपसे फ्लर्ट किया गाइस, ठीक है। और मे बी आप लोग शायद पास्ट में ये फ्लर्ट कर रहा था, आप सीरियस हो गए और इस पर्सन ने जब आपने अपने दिल की बात बोली तो इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, और अब इसको लगता है कि अब आप लोग अपनी लाइफ में फ़न कर रहे हो, ठीक है, और फ़न आप किसी के साथ कर रहे हो इस पर्सन को टीज करने के लिए, तो ये सिचुएशन है। क्योंकि आपको शायद रिजेक्शन का आप इस तरह फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो अपने, इस पर्सन को ऐसा लगता है। देन है हमारे पास ओपन योर हार्ट, लव इज़ द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन। यस, ये अपना हार्ट ओपन करना चाहता है आपकी तरफ, आपको दिल की बात कहना चाहता है, जो इस पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए बातें हैं, जो लव है। सोल स्पिरिट सोल पाथ, आ पर्सन इवोल्यूशन विद इन योर रिलेशनशिप, आ पर्सनल। ये इस पर्सन को लगता है जैसे आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में और कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लगता है कि सोल पाथ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ ना एक पर्सनल टाइप की रिलेशनशिप रखना भी चाहता है और फील भी करता है काफ़ी डीप कनेक्शन आपके साथ। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोमांस इंटरप्शन ड्यूटीज कम फर्स्ट। यस, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन पे, दैट्स वाई आपकी तरफ अभी नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन आएगा ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ। सो अभी मैं देखूंगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन, फिर मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखूंगी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन देंगे व्यूवर्स के पार्टनर्स। सेवन ऑफ वैंड्स, ब्लॉक सिचुएशन आई थिंक आप लोगों की चल रही है। देन वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स, अभी मुझे काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है। देन वी हैव द टावर, कुछ लोगों के लिए अभी काफ़ी स्ट्रगल है बिकॉज यहाँ पे आप लोगों की ब्लॉक सिचुएशन है, ठीक है, और ये पर्सन कम्युनिकेशन आप लोगों की टोटली नहीं हो रही, काफ़ी कन्फ्लिक्ट है आपका, तो अभी बात नहीं पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। बट और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये है कि ये जो आपका पार्टनर है ये डेफिनेटली काफ़ी लोगों के सामने आप लोगों के लिए स्टैंड लेगा, आपका डिफेंस करेगा और सडन आप लोगों की तरफ एक्शन लेंगे दूसरों से लड़ झगड़ के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है आपकी इस कनेक्शन में। तो ये डिफेंस करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, आने वाला बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए उसके साथ लड़ेगा ये पर्सन। एंड देन द टावर, क्योंकि इसको अपनी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है। सो चेंज इस पर्सन की लाइफ आप लोगों के साथ कनेक्शन में आके ही होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दैट्स वाई काफ़ी फाइट करेंगे आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के अगेंस्ट या उन लोगों के अगेंस्ट जो बीच में आपके हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। लेकिन यहाँ पर टाइम कुछ लोगों के लिए 5 to 7 months में ये पर्सन आप लोगों को रीच आउट करेगा, 5 to 7 weeks या 5 to 7 months, और कुछ लोगों के लिए ये सडन अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए एक शॉकिंग सरप्राइज होगा कि ये आपको रीच आउट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर अभी बात आपकी बिल्कुल अच्छी चल रही है तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपकी इस पर्सन से किसी तरह की लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और ये पर्सन आपको ब्लॉक भी कर सकता है।
ये तीन सिनेरियो मैंने आपको बता दी, आप से जैसे रेजोनेट होंगे आप लोगों ने वैसे ही लेना है। अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इम्प्रूव हेल्थ, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए गाइस, हो सकता है आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आजकल, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, अपना ख्याल रखें। देन वी हैव नो, अभी के लिए नो है आपके लिए, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में था तो उसका आंसर अभी नो है। एंड देन वी हैव रिकवरी, रिकवर करिए खुद को, आप लोग मुझे बैलेंस नज़र नहीं आ रहे हो, सो दैट्स वाई आपको रिकवर करने की खुद को ज़रूरत है। आपकी हेल्थ भी काफ़ी लो जा रही है, अच्छी नहीं जा रही, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, अपने आप को ठीक करिए, अदरवाइज़ अभी टाइम है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो है अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो। चीज़ें अभी नहीं ठीक चल रही लेकिन आने वाले टाइम में अच्छी हो जाएंगी, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।